ये कौन है मैडम, आपको क्या हुआ भाई? गाइस रो रही है ये। सो गाइस यार, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। आज हमारे साथ है लॉस सैंटोस में हमारे माइनक्राफ्ट के मिस्टर स्टीव, और इनको मैंने बुलाया है माइनक्राफ्ट से सीधा आपकी सेवा के लिए। तो आज है एक बहुत ही खतरनाक सी रात, बारिश की रात है, और ये है हॉरर एपिसोड। जैसा कि आपने रिक्वेस्ट किया था भाई हॉरर एपिसोड लाओ, तो आपकी रिक्वेस्ट सबसे पहले हॉरर एपिसोड आ चुका है। आप जानते हो कि हर हॉरर एपिसोड फ्रैंकलिन करता था, पर अब फ्रैंकलिन की तबीयत थोड़ी ख़राब है, वो हॉस्पिटलाइज हो गया है किसी कारण से। तो आज लेके आया हूँ मैं मिस्टर स्टीव को, और आप देख सकते हैं मिस्टर स्टीव कैसे दिख रहे हैं। आह मिस्टर स्टीव, क्या कहना आपके। हाँ तो गाइस, अभी अभी हमें खबर मिली है कि एक, मैं आपको पहले मैप पे दिखाता हूँ इस इलाके में, यहाँ से एक मिनट, ये जो है यहाँ पे एक रिवर जाती है, और रिवर में पास में ही एक कोई चुड़ैल सी है, जो लोगों का कहना है कि वो जब वहाँ से निकलते हैं तो उन्हें बहुत रोने की आवाज़ें आती हैं, किसी औरत की या लड़की की रोने की आवाज़ें आती हैं। तो हम देखेंगे आज क्या है सच्चाई और क्या है फसाना, क्या है हकीकत, क्या है फसाना। वाह, तो हमने यहाँ पे पहले मार्क लगा देते हैं, जल्दी से हम चलते हैं गाइस। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो गाइस प्लीज़ लाइक कर दो। और अगर आपको माइनक्राफ्ट की वीडियोस चाहिए, अगर आप माइनक्राफ्ट भी देखना चाहते हो इस चैनल पे, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं #minecraft या फिर #GTA5 ही अभी चल रहे थे, तो आप बताइए आपको कौन सी वीडियोस, कौन से गेम प्लेज अच्छे लगते हैं। अगर आपने माइनक्राफ्ट पहले मेरे देखे नहीं है तो चैनल पे पड़े हुए, सबसे पहले मैंने माइनक्राफ्ट स्टार्ट किया था, तो आप जाकर देख सकते हैं। फिलहाल अभी हम GTA 5, भाई साहब कितनी तेज था भाई। ओए स्टीव बच के, बंगला बड़ा अच्छा है वैसे। ओ तेरी, तो हाँ मैं आपको केस के बारे में बताता हूँ कि अभी एक हफ्ते पहले ही, एक हफ्ते पहले ही दो कपल्स वहाँ पे गए थे, सुबह के टाइम पे गए थे, कुछ नहीं हुआ, वहाँ पे कैंपिंग के लिए गए थे। हाँ मैं आपको बताना भूल गया, वहाँ पे कैंपिंग भी होती है, तो कैंपिंग के लिए गए थे। रात होते ही उनको अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगी, फिर उन्होंने चेक किया कि वहाँ रिवर के पास कोई बैठ के रो रहा था, तो उन्होंने जब उससे पूछा, और उसके बाद जो उन्हें दिखा वो वहीं के वहीं बेहोश हो गए, और अगले दिन उनको हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज कर दिया गया। और जब उनसे पूछा गया, भाई साहब क्या तेज, ओ भाई, जब उनसे पूछा गया गाइस आ गई, तो उन्होंने ये बताया। तो हमें इसी बात की पड़ताल करनी है कि ये क्या सच में लोगों के साथ हो रहा है, और मैं यहीं पे छोड़ देता हूँ बाइक अपनी। और राइट गाइस, मैंने अपने वेपन्स तो मंगवा लिए हैं, आप देख सकते हैं फुल्ली लोडेड वेपन्स हैं। हम सबसे पहले अपनी एक फ्लैश लाइट ऑन कर लेते हैं, ये फ्लैश कौन मार रहा है उधर से, हाँ या, और आराम आराम से चलेंगे गाइस, क्योंकि बारिश बहुत ज़ोर से हो रही है गाइस, बारिश बहुत ज़ोर से। ओ भाई शिट, ओ ये क्या है, एक मिनट, ओ भाई यहाँ पे भी धुआं, हमने वहाँ पे उस घर में भी देखा था, वहाँ पे भी धुआं था, और यहाँ पे भी धुआं है गाइस। ओ ये कौन है मैडम, आपको क्या हुआ भाई, गाइस रो रही है ये मैडम। वो मैडम गायब हो गई, वो मैडम क्या हो गया बताओ हमें, आप यहाँ पे कैसे फंस गए हो पानी के पास। इनके साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ है गाइस, ये क्या हो रहा है, मैडम आप रो क्यों रहे हो, यहाँ पे क्यों धुआं निकल रहा है। ओ ओ ये तो कोई, ओ ये तो वही है जो वहां पे थी,
वो लेटी हुई थी, वो बचाओ मुझे, वो मैं डूब गया। वो मैडम, ओ भाई जिसको कुछ भी नहीं हो रहा है। गाइस भागो यहाँ से, उन मैडम जी को देखते हैं। गाइस ये वही है, ओए है, 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 स्टीव उठ जा। ओ मैडम आप अभी भी रो रहे हो, आपकी एक जुड़वा बहन वहां पे है, वो मारने आ रही है मुझे। मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, एक मिनट हेडशॉट मारने की कोशिश करता हूं, क्या पता आप हेडशॉट से मर जाए। बहुत तेज कोई रो रहा, गायब हो नहीं, गाइस गायब हो रही है ये, और बहुत तेज। ओ ये रही। इसी बात के लिए गाइस वीडियो पे लाइक कर देना गाइस, और भी बहुत सारे एपिसोड्स आने बाकी हैं इसके, तो बेल आइकन ऑन नहीं किया है तो गाइस बेल आइकन ऑन कर लेना। और गाइस गायब हो गई, वो गायब हो गई। और ये लड़की नॉन स्टॉप रोए जा रही है, और रो कैसे रही है, ड्रेस देख के तो ऐसा लगा है कहीं पार्टी वार्टी से आई है ये। ये रही। गाइज मैं हेडशॉट पे हेडशॉट मारी जा रहा हूँ और ये मरी नहीं रही है। एक सेकंड मैं, और हाँ ये रॉकेट लॉन्चर मारने की कोशिश करता हूँ, क्या पता रॉकेट लॉन्चर से मर जाए। धुआं भी हट चुका है, और गाइस सुबह हो गई है, यहाँ का धुआं हट गया है। ओ गाइस यहाँ पे इतनी जोर से क्यों धुआं गायब हो रहा है, और मैडम जी के पास और भी धुआं आ रहा है। गाइस यहाँ पे खड़ी थी वो, यहाँ से गायब हो चुकी है, और इन मैडम जी के पास कंटिन्यूसली धुआं आ ही जा रहा है। अरे मैडम जी क्या हो गया, अब मैं क्या करूं, मुझे उनको अपने बॉस को मतलब बताना ही होगा। क्या होगा, चोट वोट लगी है क्या मैडम? गाइस मुझे डर लग रहा है बहुत, अब वो वहां पे धुआं ज्यादा पहुंच गया है। मैं धुएं के अंदर जाने की कोशिश करता हूँ, क्या पता। ओ गाइस वो सॉरी नहीं है, और गाइस यार जो वहां पे थी उसी को हमने यहाँ पे जब हमने बम चढ़ाया था तो मे भी वो मर चुकी है, उसका सर अलग हो गया है, पर उन मैडम जी का तो अभी कुछ भी पता नहीं चला है कि क्या उनके साथ दिक्कत है। वहां से कंटिन्यूसली धुआं निकले ही जा रहा है गाइस, और अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मुझे फ्रैंकलिन से पूछना ही होगा कि ये क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ। और गाइस आप देख सकते हैं सुबह हो गई है, तो गाइस मैं आपको कहना चाहता हूं कि अब आने वाले एपिसोड्स के लिए आप बेल आइकन ऑन करना मत भूलिएगा, और हम मिलेंगे अब नए हॉरर एपिसोड के साथ, मुलाकात करेंगे। यहाँ पे खड़े हो जाते, मैं आउटरो दे दूँ अपना। हाँ तो गाइस आपने देखा कि वो दो जुड़वा लड़कियाँ थी वहाँ पे, औरतें थी मे भी, या लड़कियाँ ही बोलेंगे हम। हाँ वो दो जुड़वा लड़कियाँ थी जिनसे हमें ऐसा पता चला है कि वो कहीं पार्टी के ड्रेस पहन के आई थी, एक वहाँ पे बेहोश हो गई है और रो रही थी लेटे लेटे बेहोश हुए, ये बहुत खतरनाक बात है। और जो दूसरी थी वो हमारे ऊपर हमला करे जा रही थी, तो हमने अपने सेल्फ डिफेंस के लिए उसके ऊपर रॉकेट लॉन्चर फेंका और उसकी गर्दन धड़ से अलग हो गई, मतलब शरीर से अलग हो गई। अलग होने के बाद वो बहती हुई नीचे गई, जिसके साथ साथ उसके चारों तरफ जो बुरी आत्माएं बुरी शक्तियां थी वो भी साथ साथ गई। तो मुझे सबसे पहले फ्रैंकलिन को बताना पड़ेगा हॉस्पिटल में जाके कि फ्रैंकलिन ऐसा ऐसा हुआ था, अब क्या करना है, तो वो आगे की इन्फॉर्मेशन हमें देगा। तो मैं मिलता आपको नेक्स्ट वीडियो में,
उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो गाइस प्लीज लाइक करके जाना, लाइक कर दिया करो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।